दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह में बहुत सारे काम करने के बाद अब नहा करके पूजा करके आई हूँ। और ये है देखिए, बहुत सुंदर मैं गणेश जी का कपड़ा ली हूँ। और गणेश जी मैं दिखाई थी, रील में दिखाई थी, मैं खुद से बनाई हूँ। तो अभी मैं गणेश जी का माला पहना दूंगी। और आज जो है ना, आज थाली जो किचन से किचन की थाली जो होती है, जो मैं रोज शेयर करती हूँ, तो आज नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि आज सिर्फ फ्राइड राइस बना है। और क्योंकि बहुत सारे रेसिपी जो है ना दिवाली में हम लोग बनाते हैं, तो अब मैं जो है ना दीपावली का बहुत सारे क्राफ्ट भी मैं मॉर्निंग में बनाई हूँ, और तोरण भी बहुत सुंदर है। तो ये जो ब्लॉग है ना कल आएगा, तो अभी मैं गणेश जी को माला पहना दूंगी सबसे पहले। और सबसे पहले मैं फिर शाम को जो भी हम लोग रेसिपी बनाते हैं, जिसमें खीर, दल पूड़ी और जो भी ओल की सब्जी भी बनती है आज के दिन, लेकिन मेरे यहाँ ओल की सब्जी कोई नहीं खाते हैं, इसीलिए ओल की चटनी खाते हैं, तो नियम के लिए ओल की चटनी बना दूंगी। और ओल की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अकेले क्या बनाऊँ, तो चलिए ओल की चटनी बना दूंगी। जो भी रेसिपी रहेगा कल के ब्लॉग में आएगा। तो यहाँ पर गणेश जी का मैं यहाँ पर जो है ना उनका कपड़ा आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ यहाँ पर देखिए तोरण बना ली हूँ, और बहुत इजी तरीके से मैं तोरण बनाई हूँ। और इसकी भी जो है ना फुल वीडियो आ जाएगी। और सुबह में काम के साथ साथ ना मेरा एक पैर किचन में रहता है, एक पैर उधर रहता है, और साथ साथ मेरा क्राफ्ट भी चलता रहता है। और तोरण के बहुत सारे डिज़ाइन भी मेरे YouTube चैनल पे है, और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो वीडियो मेरी वायरल भी हुई है, तो मुझे बहुत खुशी लगती है। और बहुत मतलब अच्छा लगता है। और लक्ष्मी जी के साथ साथ जो है ना सबका आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत होती है, और माँ बाप का आशीर्वाद से बढ़ कुछ नहीं होता है, और ऊपर से माँ बाप का भी आशीर्वाद मिल रहा है, तभी मैं ये सब जो है ना कर पा रही हूँ। और चलिए, और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा लक्ष्मी तो घर की औरत होती है और घर की बेटियाँ होती है, और बस उसको इज्जत दे, और लक्ष्मी जी तो फिर बहुत बरसेगी। और लक्ष्मी जी ऐसे भी आशीर्वाद देगी, घर की औरत होती है, सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है, उनका आदर सत्कार ही जीवन में आपका सबसे बड़ा लक्ष्मी है। तो चलिए सबसे पहले मैं गणेश जी को माला पहना देती हूँ। तोरण कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। बहुत सिंपल, और मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, फटाफट से ये क्राफ्ट बनाई हूँ। तो चलिए गणेश जी को मैं माला पहना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये गणेश जी का, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कपड़ा, यहाँ पर मैं सुई धागा से डिजाइन कर दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर। और ये डिजाइन ना थोड़ा सा मैं यहाँ चुन्नट जैसा लगा दूंगी, पूजा में माता जी का भी चुन्नी मैं डिजाइन करती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा देखने में भी सिंपल कपड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा चून कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए गणेश जी का ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया, और घर में वैसे सिलती हूँ लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए माला, और यहाँ पर कपड़ा मैं पहनाती हूँ।